कलर इसका ब्लैक रहने वाला है पूरा? यस ब्लैक कलर है, फर्स्ट ओनर है और हाईलाइन टॉप एंड मॉडल है ये। टॉप एंड मॉडल है गाइस, ब्लैक कलर में आ रहा है, देखिए मैक व्हील वगैरह देखिए, उसके अलॉय व्हील्स वगैरह देखिए, इंटीरियर भी हम दिखाएंगे एक बार खोल के इसको। यार तुम्हें सैटिस्फाई मुझे ये डील तो तुम्हारा कितने मध्य बसली गाड़ी का सांगू शकल? हाँ गाड़ी 75 मध्य बसली। 75 मध्य कभी से मॉडल है? हाँ 2004 से मॉडल है। 2004 का मॉडल है गाइस। और पेट्रोल मध्य है ना? प्योर पेट्रोल। चलेगा, थैंक यू सो मच, खूब खूब अभिनंदन आपको। थैंक यू। 2007 का स्विफ्ट ZXi है। अच्छा ZXi? यस, टॉप एंड मॉडल का गाड़ी है। अच्छा, इसमें भी एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, डी फॉगर, फॉग लैंप्स, फुल्ली लोडेड गाड़ी है। तो ये टॉप एंड मॉडल आते हैं क्या? यस यस, स्विफ्ट का ये टॉप एंड मॉडल है। ये आइटन है, 2014 का है। ओके, 2002 मॉडल है। ओके, इसमें फ्रंट कैमरा वगैरह भी है। अच्छा, फ्रंट कैमरा वगैरह पूरा एक्सेसरीज में फुल्ली लोडेड है ये। अच्छा, फ्रंट कैमरा आता है इसको। ओके, फॉग लैंप्स है, फॉग लैंप भी एक्टिव है इसके, देखिए पूरे। ये 14 का आइटन का स्पोर्ट्स मॉडल है। स्पोर्ट्स है, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे आप देख सकते हो पीछे, हम क्वालिटी मोटर्स में आए हैं गाइस। पहले भी हम यहाँ पे आए थे और आपका फीडबैक काफी बढ़िया आया था और काफी मुझे इसके क्वेरीज आ रहे थे कि और ज्यादा वीडियो बनाओ और ज्यादा कार्स दिखाओ, इसलिए मैं ये वापस से आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फातिमा नगर में है ये शॉप। ठीक है, और हम यहाँ पे पूरा आज एक्सप्लोर करने वाले, फरहान भाई भी हमारे साथ है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और पूरे हम जो कार से वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलने वाली है, छोटी बड़ी, सीडान, हैचबैक, सभी तरह की गाड़ियाँ मिलने वाली है। तो फरहान भाई है, फरहान भाई को आप पहचानते ही हो, पहले वीडियो में देखा ही है। तो फरहान भाई, आपने पहले का वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा रहा, पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स था सर, और आपने कवर भी अच्छा किए, एक्सप्लेन अच्छा किए वीडियो में। तो आज हमें कौन सी गाड़ी आप एक्सप्लोर करके दिखाने वाले सर? अभी ज्यादा करके तो सर आज मेरे पास में हैचबैक और सेडान। अच्छा, दो ही क्लास में गाड़ी है। ओके, तो हैचबैक में जैसे i20 है और स्विफ्ट है, रेड्स है, i10 है, काफी सारी गाड़ियाँ। हैचबैक में मतलब ज्यादा स्टॉक आया है? हैचबैक में ज्यादा स्टॉक है और सेडान में लिमिटेड है। चलेगा, तो ये पहली गाड़ी कौन सी देखने वाले सर? हम इलाइट i20 से स्टार्ट करते हैं सर। ओके, तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, एक बार दिखा दीजिए अमन कैसा है ये i20। इलाइट मॉडल है राइट? इलाइट मॉडल है सर, डीजल एक्स्ट्रा टॉप एंड मॉडल है, बटन स्टार्ट में है, आने वाला है। ओके, एक बार दिखा दीजिए अमन, मैट व्हील वगैरह दिखा दीजिए इसका। और ये कब का मॉडल रहने वाला है? 2015 का है सर गाड़ी, 2015 गाड़ी है पूरा। ओके, और इसमें सिस्टम वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, फुल्ली लोडेड गाड़ी, फुल्ली कंपनी का ही आने वाला है। कंपनी एक्स्ट्रा फिटिंग्स भी काफी कुछ है। ओके, जैसे कि ये लेटेस्ट का ग्रिलिंग वगैरह जो बंपर में स्पोर्ट्स आता है। ओके, आगे और पीछे के दोनों स्पोर्ट्स बंपर है। ओके, कस्टमर भी काफी शौकीन था तो उसने भी काफी खर्चा किया हुआ है। राइट, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ इंटीरियर भी इसके सीट कवर्स वगैरह के लिए ये वो स्किन फिटिंग वाले ये किया हुआ। अच्छा, ये देख सकते हो गाइस, ये पूरा ऐसा लुक आने वाला है, ग्रिल वगैरह देखिएगा पूरा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, और इसका क्या प्राइस कट कर रहे हो करण भाई? सर हम लोग इसका 585 काउंटर प्राइस ऑफर कर रहे हैं। 585 नेगोशिएबल है। ओके, ऑन स्टैंडर्ड रेट्स पे। और इसके कुछ फीचर्स बता दीजिए कैसे रहने वाला है सर? ये सर एस्टा टॉप एंड बटन स्टार्ट वाला गाड़ी है। ओके, में हर चीज है, एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील्स, प्लस एक्स्ट्रा कस्टमर ने भी काफी कुछ किया हुआ है। ओके, यानी जो लेने वाला जो ओनर है शौकीन थे वो, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट ड्राइव, जस्ट ड्राइव, ट्रांसफर वगैरह करके पूरा आप सब आपको उसी अमाउंट में मिल जाएगा। तो कितने तक फाइनल हो जाएगा इसका? ये आपको फाइनल है ना सर, मैं 565 तक दे दूंगा। 565 और डीजल गाड़ी है? गाइस डीजल गाड़ी है, मिलती नहीं है, भाई के पास मिल रही है। आ जाइए, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं नंबर डाल रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी दिखा रहे हैं? ये अभी नेक्स्ट गाड़ी है सेडान क्लास की। ओके, वोक्सवैगन वेंटो। वेंटो में आ रहा है, देखिए ये कलर इसका ब्लैक रहने वाला है पूरा? यस ब्लैक कलर है, फर्स्ट ओनर है और हाईलाइन टॉप एंड मॉडल है ये।
टॉप एंड मॉडल है गाइस, ब्लैक कलर में आ रहा है। देखिए मैकविल वगैरह, देखिए उसके अलॉय व्हील्स वगैरह, देखिए इंटीरियर भी हम दिखाएंगे एक बार खोल के इसको। ठीक है अमन, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ आप एक बार अंदर से दिखा दीजिए गाड़ी। फीचर्स बताओ फरहान भाई, क्या क्या रेन्यूअल चालू किया ना सर? देखो वॉक्सवैगन का हाई एंड टाइप टू वाला मॉडल है ये। ओके टाइप टू, हाँ डीजल हाईलाइन मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। okay. पूरा कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड पे है गाड़ी। okay. सब फीचर्स है गाड़ी के अंदर सेडान के, एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील्स और आपको बताऊँ हैंडरेस्ट है उसके अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। तो विंटो का जो फील है और एवरेज तो इसका बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। कितना एवरेज देते रहेगी? 20 प्लस एवरेज है गाड़ी, 20 प्लस रहने वाला है। और इसका कितना किलोमीटर ये चला रहेगा? अभी ये 83,000 चला हुआ है। ओके, और कितना कोट कर रहे हैं इसका? ये हम लोग कोट कर रहे हैं 460। अच्छा 460। फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल हम लोग दे देंगे ये आपको एकदम बॉटम प्राइस बताता हूँ सर, प्राइसिंग के लिए 4,35,000 में दे देंगे। 4,35,000 में डीजल है राइट? यस डीजल। डीजल में आने वाले गाइस देखिए, अनबिलीवेबल प्राइस में गाड़ी आ रही है गाइस। डायरेक्टली फरहान भाई से कांटेक्ट कीजिएगा, अगर पुणे में रहते हो तो डायरेक्टली भाई के शॉप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो आके फिजिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी दिखा रहे हो फरहान भाई? सेडान में ही है, ऑटोमेटिक है। अच्छा ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक होंडा सिटी है। होंडा सिटी है देखिए गाइस, और इसका कलर का क्या नाम बोल सकते हैं? ये बेज कलर आता है सर, बीएच बेज कलर है। अच्छा बेज कलर है, देखिए ये भी फर्स्ट ओनर रहने वाला है, ये सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर में है देखिए। और कितने किलोमीटर चला रहेगा फरहान भाई? ये 1,00,000 चला हुआ है। अच्छा। कस्टमर ने पूरा मेंटेन किया हुआ है कंपनी में। ओके, कंपनी मेंटेन है। कंपनी मेंटेन है। ओके, एस मॉडल है होंडा सिटी का, एस ऑटोमेटिक, एस ऑटोमेटिक में आने वाला है। तो ये भी पेट्रोल में है या डीजल? पेट्रोल, पेट्रोल, प्योर पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल में आने वाला है। और कब का मॉडल बताया आपने? 2009 का है। कितना किलोमीटर चला रहेगा फरहान भाई? 1,00,000 के आसपास, 1,00,000 चला। और कितना कोट कर रहे हो आप इसका? हम लोग इसका 225 कोट कर रहे हैं। 225 कोट कर रहे हैं। और कितने तक जाएगा फाइनल? फाइनल टू फाइनल आपको दे देंगे सर 2,10,000 रुपए में। तो 2,10,000 में आने वाला है गाइस, देखिए पूरा सेडान कार है, ऑटोमेटिक है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी पे जाते हैं, नेक्स्ट गाड़ी एक बार एक्सप्लोर करने बोलते हैं। कौन सी भाई है, कौन सी दिखा रहे हैं? स्कोडा का रैपिड है, रैपिड गाड़ी है देखिए गाइस, स्कोडा का काफी चलने वाला मॉडल है गाइस, टॉप एंड मॉडल ही है, एंबियंस टॉप एंड मॉडल है। बोलने इसका इंटर 2014 का ही है। ओके 2014 का है और पूरा ब्लैक में आने वाला है। और सीट कवर्स वगैरह मुझे इसके मॉडिफाइड लग रहा है, मॉडिफाइड है। तो वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं गाइस अंदर जाके, पूरा मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ इसका। ठीक है तो हमारे साथ एक कस्टमर है गाइस, उनका हम फीडबैक लेने वाले हैं यहाँ पे। उन्होंने जस्ट अभी एक्सेंट लिए है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। तो कहीं नाम है भाव अपना? नेताजी रणदिवे। नेताजी रणदिवे ने लिए सगळ्यात पहिले तर तुमचं खूप खूप अभिनंदन नवीन गाडी घेतल्याबद्दल। ठीक आहे, आणि हे गाडीचं तुम्हाला कसं काय आलं हे जे क्वालिटी मोटर्स आहे तो तुम्ही कसं आले होते? आलो होतो मी गाडी पाहत नाही का, सकाळी आलो गाडी बघितली, गाडी आवडली, नंतर ना जरा पैशाचा प्रॉब्लेम होता जाऊन आलो बघितलं, गाडी आवडल्यानंतर त्यांनी पेपर वगैरे दाखवले गाडी बघितले, मग तुम्हाला यांनी म्हणजे मदत केली, माहिती दिली की कसं व्यवहार होणार आहे, काय होणार आहे, आणि स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सगळी माहिती दिली। तर ही गाडी तुम्हाला पूर्ण इन्शुरन्स वगैरे जे पेपर्स वगैरे सगळं ट्रान्सफर करून भेटले? सगळे ट्रान्सफर वगैरे करून भेटले। गाइस यहाँ पे जो पूरा ये मतलब क्या बोल सकते, ट्रान्सपेरंट व्यवहार होने वाला है। अरुण भाई यहाँ पे रहते हैं और कस्टमर का भी आपने फीडबैक दिया है। ठीक है, और देखा है आपने कि एकदम फ्लुएंट यहाँ पे ये होता है जो भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहोगे फरहान भाई? नहीं बस ये कहना चाहूंगा जी भाई, क्या जो भी कस्टमर है, हम लोग कस्टमर को पूरा जितना भी स्टार्ट टू एंड टू सर्विस देते हैं जी, वो कस्टमर के कन्वीनियंसी के हिसाब से होना चाहिए। कस्टमर को हर चीज क्लियर होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। मेन मोटिव वही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो मेन मोटिव है हमारा। कस्टमर को ट्रायल लेने से डील होने तक और पेपर ट्रांसफर होने तक हर चीज में जो है तो कस्टमर को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि यार जो गाड़ी लिया हुआ है वो सही बंदे से लिया हुआ है और सही गाड़ी है। ठीक है, और सही प्राइस पे लिया हुआ है। मेन जो है वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए और प्राइस सही होना चाहिए। बाकी सब तो गाड़ियाँ बेचते हैं हर मार्केट में, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, पर गाड़ी सही मिलना चाहिए कस्टमर को। सर तुम्हें सेटिस्फाई मुझे ये डील?
तर तुम्हाला किती मध्ये बसली ही गाडी, काय सांगू शकाल? हा गाडी 75 मध्ये बसली. 75 मध्ये कधीचं मॉडेल आहे? हा 2004 चं मॉडेल आहे. 2004 का मॉडेल आहे गाईस. और पेट्रोल मध्ये आहे ना? प्युअर पेट्रोल. चलेगा. थँक्यू, थँक्यू सो मच आणि खूप खूप अभिनंदन आपलं. तो गाइस ये देखिए, ऐसा पूरा यहाँ पे डील होता है, पूरा ट्रांसफर वगैरह करा के मिलेगा, इंक्लूडिंग वो प्राइस में ही, ठीक है. और अभी हम नेक्स्ट गाड़ी देखने वाले हैं. नेक्स्ट कौन सी दिखा रहे हैं फरहान भाई? ये 2007 का स्विफ्ट ZXi है. अच्छा, ZXi. यस, मॉडल का गाड़ी है. अच्छा, इसमें भी एयरबैग, ABS, अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, डीफॉगर, फॉग लैंप्स, फुल्ली लोडेड गाड़ी है. तो ये टॉप एंड मॉडल आते हैं? यस यस, स्विफ्ट का ये टॉप एंड मॉडल. रेड कलर में आ रहा है ये पूरा, देखिए इसके भी अलॉय व्हील्स वगैरह, देखिए बैक लुक देखिए गाइस, और सिस्टम भी इसमें लगा है ऑलरेडी, राइट? ऑलरेडी है, पूरा कंपनी का ही है सिस्टम, पूरा कंपनी का ही है, ठीक है. और पुणे नंबर में आ रहा है, देखिए पुणे पासिंग है गाड़ी, पूरा बजट गाड़ी है सर, एकदम बजट गाड़ी है. सबसे ज्यादा चलने वाला मारुति सुजुकी का स्विफ्ट है ये, देखिए ZXi ABS सिस्टम आने वाला है, ABS भी है, एयरबैग्स भी है. एयरबैग्स भी है, देखिए एयरबैग्स कितने है? दो आते हैं, चार आते हैं इसमें सर, आपको मिल जाएंगे दो एयरबैग. ओके राइट, तो इसका कितना कोट कर रहे हो फरहान भाई? ये हम लोग 2,00,000 रुपए कोट कर रहे हैं सर. ओके, हाँ 2,00,000 रुपए कोट कर रहे हैं, और स्लाइटली नेगोशिएबल है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि छोटे बजट का गाड़ी है, स्लाइटली नेगोशिएबल. और पूरे फीचर भी मिल रहे हैं? सब फीचर ये वर्थ है जो 2,00,000 आप बोल रहे हो. लो बजट और फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं, फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं इसमें. तो नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं गाइस, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी दिखाने वाले हैं फरहान भाई? ये स्टिंगरे वैगनर है सर. अच्छा, स्टिंगरे. यस, स्टिंगरे वैगनर है ये, 2015 का है. ओके, सेकंड ओनर पे ये गाड़ी. अच्छा, ये भी टॉप एंड मॉडल का गाड़ी है, ये मारुति का एक ही गाड़ी है जिसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया हुआ है. ओके, और ग्लास का ग्रिल दिया हुआ है, प्लस एलॉय व्हील्स है, ये भी एक्सेसरीज से फुल मेंटेन है. ये हम लोग 3,50,000 रुपए कोट कर रहे हैं. 3,50,000 कोट कर रहे हो, और कितने तक जाएगा फाइनल? ये आपको फाइनल जाएगा सर 325 तक चला जाएगा. देखिए एकदम बजट फ्रेंडली कार्स रहने वाली है गाइस, देखिए गाड़ी और 15 का गाड़ी है ना, 2015 का है वो मॉडल. और कितना चला रहेगा वो फरहान भाई? अराउंड 65 के आसपास चला हुआ, 65 के अराउंड ये चला रहेगा, ज्यादा नहीं चला है गाइस. ठीक है, नेक्स्ट साइड का मॉडल देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा दिखा रहे हैं हैचबैक में? सर देखो ये आई10 है, 2014 का है. ओके, 2 मॉडल है. ओके, इसमें फ्रंट कैमरा वगैरह भी है. अच्छा, फ्रंट कैमरा वगैरह पूरा एक्सेसरीज में फुल्ली लोडेड है ये. अच्छा, फ्रंट कैमरा आता है इसको. ओके, ये देखो फॉग लैंप भी एक्टिव है इसके, देखिए पूरा. ये 14 का आई10 का स्पोर्ट्स मॉडल है. स्पोर्ट्स है, ओके. और इसका कितना किलोमीटर चला रहेगा फरहान भाई? ये चला हुआ है 74 चला है. देखिए गाइस यहां पे कैसा है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सबका इंटीरियर दिखाऊंगा, तो हम थोड़े थोड़े इंटरव्यू भी दिखाएंगे आपको, ठीक है, मॉडल के हिसाब में. और इसका कितना प्राइस कोट कर रहे हैं भाई? ये 325. ओके, इसमें भी निगोशिएबल है गाइस, कम ज्यादा जरूर फरहान भाई करा के दे देंगे आपको, ठीक है. नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं अभी, नेक्स्ट गाड़ी कौन सी दिखा रहे हो फरहान भाई? ये ऑटोमेटिक आई10 है. ऑटोमेटिक है? यस. ओके, कब का मॉडल है? ट्रांसमिशन में है, 2010 का गाड़ी है. अच्छा, ये जिनको ऑटोमेटिक चाहिए और लो बजट है तो उनके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी है. तो आजकल देखिए गाइस, जिनको ज्यादा ट्रैफिक में गियर शिफ्टिंग वगैरह ज्यादा नहीं जमता है, ठीक है, वो ये ले सकते हैं. ऑटोमेटिक में आने वाला है, ग्रे कलर में आने वाला है. ग्रे कलर में, राइट. और इसका रनिंग कितना हुआ रहेगा फरहान भाई? ये 68,000 चला हुआ. 68,000 चला हुआ है. इसका मैं एक बार इंटीरियर दिखाने के लिए बोलता हूँ, इंटीरियर देखिएगा आप गाइस, ठीक है. और ये काफी ज्यादा चलने वाला गाड़ी है, राइट? हुंडई का सबसे हॉट मूविंग आइटम है ये, राइट. i20 जो है गाइस काफी ज्यादा चल रहा है आजकल, ठीक है. और इसका इंटीरियर भी देखिएगा आप, पूरा एकदम क्लीन नजर आएगा आपको, ठीक है. सिस्टम वगैरह मिलने वाला है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह. गियर्स एक बार दिखा दो हमारे पूरे, ये देखिए गियर्स भी ऑटोमेटिक में आ रहे हैं आपको पूरे, ठीक है. LED look है, brand new tires है गाड़ी को. ओके,
ये आप देख सकते हैं गाइस, ब्रांड न्यू टायर्स आ रहे हैं और उसके अलॉय व्हील्स भी मुझे कंपनी के नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में आते हैं सर अलॉय व्हील्स। ओके, और इसका सिंगल एयरबैग आता है उसको। ओके, सिंगल एयरबैग आएगा। और इसका कितना कोट कर रहे हो फरहान भाई? ये सर 3,55,000 कोट कर रहे हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट ओनर है गाड़ी, कंपनी मेंटेन है। ओके, और 64,000 चला हुआ है। अच्छा, 64,000 बहुत कम चले हुए गाड़ी आप यहाँ पे दिखा रहे हो भाई। और पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। राइट राइट। और प्राइस भी काफी बजट फ्रेंडली है गाइस, ठीक है, यहाँ पे विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट गाड़ी एक बार चेक करते हैं, नेक्स्ट कौन सी दिखा रहे फरहान भाई? ये भी i20 है, 2011 मॉडल है, स्पोर्ट एस्टा ही है, सॉरी एस्टा है। ओके, तो एस्टा और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस रहता है? एस्टा और स्पोर्ट्स में डिफरेंस ये है सर, स्पोर्ट्स में सिंगल एयरबैग आता है। ओके, और एस्टा में दो एयरबैग आते हैं, प्लस फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स, अलॉय व्हील्स तो स्पोर्ट्स में भी आते हैं, एस्टा में भी आते हैं। रियर वाइपर आता है एक एडिशन में उसके, डीफॉगर आता है। अच्छा, और तकरीबन तो में मतलब थोड़े से ज्यादा फीचर्स है, एयरबैग ज्यादा, एक ज्यादा मिलता है, रियर वाइपर आता है, फॉग लैंप्स आते हैं। और इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? 2,85,000 कोट कर रहे हैं सर। 2,85,000 कोट कर रहे हैं। थर्ड ओनर गाड़ी है सर, पर बहुत काफी मेंटेन गाड़ी है, थर्ड ओनर के हिसाब से भी हाईली मेंटेन किया हुआ है गाड़ी, तो काफी मेंटेन गाड़ी दिख रही है गाइस। आप बाहर से भी देख सकते हो, अंदर से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं गाइस आगे, आगे में और शूट करके दिखाता हूँ आपको, और ज्यादा स्टॉक वहाँ पे है, वहाँ भी हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फरहान भाई, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे और हम शूट करके दिखाते हैं। ओके।